Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel. Today we are going to cover important current affairs of Haryana state second, third, and fourth week of October. So let's begin with the session. The uh, first news is that is related to one district one product scheme. Now recently what happened is that Union Ministry of uh, Food Processing Industry ne, they have given the approval to the Haryana government to launch this particular scheme to launch this scheme. अब इस स्कीम के अंदर है क्या इस स्कीम के अंदर यह है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट के ऑल ट्वेंटी टू डिस्ट्रिक्ट दे बी हैविंग देयर ओन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिल्क पोएट्री सेक्टर और इन सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट और अंडर द स्कीम सो अल्टीमेटली दिस विल गिव फुल बेनिफिट टू द फार्मर्स जो छोटे छोटे आंट्रप्रनोर्स हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करने में uh, ये स्कीम पूरा का पूरा हेल्प करेगी राइट सो अल्टीमेटली टू टू बूस्ट द इनकम ऑफ द फार्मर एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम जो है हेल्प करने वाली है इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जैसे हमने बोला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो एक डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे बात की गई है जैसे फॉर एग्जाम्पल अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनियन को प्रमोट किया जाएगा उसको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्वीट uh, लाइम हो गया सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन ऑरेंजेस, ये कहाँ पे हमें uh, दिखेगा दैट इज भिवानी फतेहाबाद एंड महेंद्रगढ़ के अंदर uh, और साथ ही साथ अम्बा आमला जो है आमला की ब्रांडिंग की जाएगी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसके अलावा गुआवा जो है वो झज्जर के अंदर पोल्ट्री जिंद के अंदर देन कैरेट की अगर बात करें कैरेट जो जो प्रोडक्ट है इसका जो ब्रांडिंग होगा ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाएगा राइट ओके मस्टर्ड आपको देखने को मिलेगा रिवाड़ी और ये सारे जो है अलग अलग, अलग प्रोडक्ट्स जो है उनको डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएट करके उनका प्रमोशन किया जाएगा अंडरस्टैंड नाउ इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है दैट गवर्नमेंट विल कनेक्ट एवरी ब्लॉक विध इन ओन प्रोडक्ट ठीक है अपने खुद के प्रोडक्ट के साथ उस ब्लॉक को जोड़ा जाएगा और इससे अल्टीमेटली उनका ये टारगेट होगा ताकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं रूरल एरियाज में उनको प्रमोट किया जा सके राइट सो so, ब्लॉक को प्रोडक्ट के साथ जोड़ा जाएगा जो रूरल एरिया में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी ताकि वो और ज्यादा फ्लरिश करें प्रमोट हो जाए राइट right? इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एक और स्कीम जो है वो लॉन्च कर रही है उसके ऊपर काम कर रही है दैट स्कीम इज वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इसके अंदर होगा क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं जो इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की दे विल बी एनकरेज इन ऑल द ब्लॉक्स लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सो इट इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ कि आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने वाले हो उससे पहले आप ब्लॉक लेवल पे उस चीज को ब्रांड करोगे ठीक है तभी वो आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका प्रॉपर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होगा करेक्ट हो गया चलिए नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन राइट सो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया टू रन अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन सारे के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टेट के अंदर हैं सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं इंप्लॉयज हैं और बाकी लोग हैं उनको साइबर uh, सिक्योरिटी के बारे में पता चले और ये जो साइबर फ्रॉड्स होते रहते हैं आम डे टू डे लाइफ के अंदर उससे वो बच सके ओके okay? सो so, इसमें किया क्या गया है बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस जो है उनके साथ कॉन्टेक्ट किया गया ताकि इस पूरी कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया जा सके सक्सेसफुली राइट right? तो इसमें किया क्या गया है बुकलेट जो है इट इज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ये बुकलेट है जिसमें साइबर फ्रॉड्स कैसे होते हैं थ्रेट्स कौन से हैं हार्म कौन से होते हैं साइबर हार्म्स वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है ताकि इसको ये नॉलेज जो है वो एक्सेस की जा सके हर किसी के द्वारा ठीक है और साइबर सिक्योरिटी होती क्या है ऑब्वियसली जो हमारा Uh, हम लोग जितना भी इंटरनेट में काम करते हैं उससे रिलेटेड हमारे को एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराता है uh, ताकि कोई सिक्योरिटी uh, जैसे साइबर थ्रेट्स होते रहते हैं कई बार uh, कई बार आपको देखने को मिलता है कि हमारा डेटा जो है वो चोरी हो जाता है हमारे पासवर्ड ब्लॉग पासवर्ड वगैरह या सोशल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं हमारे वो ब्लॉक हो जाते हैं यू नो आ, उसको आ, उसको जो है वो सिक्योर करता है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ओके okay? एंड इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि दिस प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर सर्वर्स मोबाइल्स नेटवर्क फ्रॉम द साइबर अटैक्स ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे हरियाणा के वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें लगभग लगभग चौदह यूनिट्स जो हैं उनको अब स्विच uh, कर दिया गया है टू क्लीनर फ्यूल्स इंक्लूडिंग पीएनजी, राइट सो ये जो मेजरली ये जो इंडस्ट्रीज थी ये इंडस्ट्रीज वो थी जिसको जो कि फ्यूल डिपेंडेंट थी ऑन दोज थिंग्स जैसे कि वुड हो गया कोल हो गया कोक हो गया इनके ऊपर डिपेंडेंट थी ताकि यहां से वो एज अ फ्यूल इनको यूज कर पाए और जिससे जो है इनका uh, चलता जाए वॉकिंग चलता जाए लेकिन ये जो है इस वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था

अब इसमें है क्या इसमें यह है कि ये डिसीजन प्रमाणी उन यूनिट्स के ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली लिया गया है जो यूनिट्स डिपेंडेंट करती हैं फ्यूल के लिए उनका जो फ्यूल सोर्स होता है वो वुड है कोल है कोक है केक्स है ऑयल है तो इस तरीके से तो उनको धीरे 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 क्लीन एनर्जी के ऊपर स्विच किया जा रहा है राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो रिसेंटली एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जेपी दलाल ही गॉट दिस रिकग्नाइजेशन दैट इज बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन बाय यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर राइट अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट्स टॉक अबाउट एट जैसे हरियाणा को तो ये कैटेगरी में अवॉर्ड मिला है बिकॉज हरियाणा ने दे हैव टेकन अ लॉर्ड ऑफ इनिशिएटिव टू ब्रिंग मोर इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा इनोवेटिव स्टेप्स इन्होंने लिए इस वजह से ओवर द लास्ट सेवन ईयर्स ठीक है लास्ट सेवन ईयर्स के अंदर इस वजह से इनको ये रिकॉग्नाइज़ेशन मिली है थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग जैसे कि प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ द स्टेट की बात करें तो ये टाइटल मिला है कनवल सिंह चौहान को यह टाइटल इनको मिला है इसके अलावा हम लोग बात करें कि कौन कौन से इनोवेटिव स्टेप्स इन्होंने लिए गवर्नमेंट ने लिए सो so इसमें मेजर स्टेप्स जो हैं दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ वाटर कैसे हो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप कैसे की जाए ताकि एक साल में एक क्रॉप नहीं बल्कि मल्टीपल क्रॉप्स भी उगाए जाए और साथ ही साथ लेस वाटर में कैसे उगाए जाए दैट वॉज uh, एक इनोवेटिव स्टेप जो इन्होंने लिया साथ ही साथ वेरियस स्कीम्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर ये भी इन्होंने एक स्टेप उठाया था जिस वजह से अल्टीमेटली इनको ये रिकॉग्नाइजेशन मिली राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओके सो हरियाणा संस्कृत अकेडमी अनाउंस अवार्ड फॉर दर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी नाउ इसमें बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो हरियाणा संस्कृत एकेडमी ने अनाउंस किए बट हमारे लिए प्रिलेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सवाल पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उनको जरूर देखेंगे राइट सो so, रिसेंटली ये अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा दो के लिए इस पर्सनैलिटी को हिमाचल प्रदेश के हैं ये इनको और डॉक्टर मान सिंह को जो कि उत्तराखंड के हैं इनको सिलेक्ट किया गया है संस्कृत साहित्य कलंक अलंकार सम्मान अवार्ड तो इनको ये पर्टिकुलर जो सम्मान है वो दिया गया है अभिराज राजेंद्र मिश्रा जी को और मान सिंह को 2019 के लिए राइट तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा इसके अलावा हम लोग एक दो अवार्ड और देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल महर्षि वाल्मीकि सम्मान जो है जो 2019 के लिए दिया गया है वो दिया गया है किसको गुरुग्राम के डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश है 2020 के लिए दिया गया है वीरेंद्र कुमार अलंकार जो कि गोहाना के हैं 2020 के लिए राइट इसके अलावा एक और है जैसे कि सुधीर कुमार डॉक्टर सुधीर कुमार है इनको बेसिकली महेश महर्षि विश्व सम्मान अवार्ड दिया गया है दो के लिए एंड 2020 की बात करें तो डॉक्टर देवी सिंह है उनको 2020 के लिए पर्टिकुलर अवार्ड मिला है क्लियर हो गया सो so, नेक्स्ट uh, हम लोग बात करते हैं महाकवि सम्मान अवार्ड ठीक है तो ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है ये डॉक्टर सुधीर कुमार को मिला है ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं 2019 के लिए और 2020 की बात करें तो सुशील कुमार शास्त्री हैं 2020 की बात करें तो सुशील कुमार शास्त्री हैं हिसार के जिनको यह अवार्ड मिला है राइट तो एक बार इनको हम लोग पढ़ लेंगे इट इज वेरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सवाल इसमें से पूछ लिया जा सकता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आचार्य हरिदत्त जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं आचार्य हरिदत्त जो रोहतक से बिलोंग करते हैं उनको मिला है गुरु वीरजानंद आचार्य सम्मान पॉट 2019 राइट इसके अलावा मुरलीधर शास्त्री है जो भिवानी से बिलोंग करते हैं इनको मिला है 2019 के लिए अवार्ड फिर डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा है जो कि अंबाला से बिलोंग करते हैं इनको मिला है 2020 के लिए यह अवार्ड कौन सा वशिष्ठ संस्कृत सेवा सम्मान ओके नाउ इस अवार्ड में क्या है जैसे संस्कृत साहित्य अलंकार अवार्ड जो है जो हमने फर्स्ट अवार्ड देखा था और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान जो है यहां जो दो कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स होती है यहाँ पे आपको दो लाख रुपया मिलता है और एक साइटेशन इज गिवन टू द लिटरेचर राइट इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए जो जितने भी बाकी अवार्ड्स हमने देखे उसमें डेढ़ लाख रुपए का प्राइज मिलता है क्लियर हो गया तो वी जस्ट नीड टू गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट नेम्स सो दैट की हमें इंश्योर रहे कि इस तरीके से अगर दे कैन आस्क रिगार्डिंग द वॉट एग्जैक्टली दिस वशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ हो सकता है क्वेश्चन ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलिटी ऑफ वन लैक एकड़ ऑफ लैंड टू बी इंप्रूव्ड इन हरियाणा सो ये टारगेट लिया गया है कि एक लाख एकड़ लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव किया जाएगा वॉर फुटिंग के अंदर और उसी चीज को करने के लिए पहले तो फर्स्ट फेज ऑफ लैंड सर्वे किया गया चार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये सारा जो सर्वे है आगे जाके एक्सटेंड भी किया जाएगा आगे के पांच डिस्ट्रिक्ट चार पांच डिस्ट्रिक्ट के अंदर राइट और ये चेक किया जाएगा कि समस्या क्या है समस्या क्या है फर्टिलिटी के बीच में कौन सी रुकावटें आ रही है ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं जैसे कि आप देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर लेवल फॉलिंग राइट सो वाटर लेवल जो है वो फॉल कर रहा है हरियाणा के अंदर भी कर रहा है पंजाब के अंदर भी कर रहा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो फिर ग्राउंड वाटर को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे राइट right? सो so ये एक इशू है साथ ही साथ वाटर लॉगिंग इन वेरियस डिस्ट्रिक्स ये अन इशू है ये सारे इशूज के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो टारगेट है इसको इंप्रूव किया जा सके इसको मीट किया जा सके ठीक है अब किया क्या जा रहा है कि एक सेंट्रलाइज वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम है इज बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर के आ, ए, से रिलेटेड इशू है स्टेट के अंदर उसको एड्रेस किया जा सके बाय सेंट्रलाइज वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम ओके नाउ इसी स्कीम के तहत ये जो पूरा कॉम्प्रीहेंसिव जो प्लान बनाया जा रहा है इस इसके तहत जो है फार्मर्स ऑफ द स्टेट वुड गेट बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन द क्रॉप्स सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के ऊपर फार्मर जो होगा अब डिपेंडेंट होगा जिससे क्या हो सकता है वो एक क्रॉप से ज्यादा एक साल के अंदर प्रोड्यूस करेगा ठीक है एंड इससे इनकम ऑफ द फार्मर तो इंक्रीज होगी होगी बट साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज uh, होती है राइट right? सो so, वो क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग जो होती है रिले क्रॉपिंग होती है ये अलग अलग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के फॉर्म्स है ये एक स्टेप uh, बोला जा रहा है कि इस तरीके से किया जा सकता है अंडरस्टैंड सो so, आप इसको ध्यान दीजिएगा नाउ एनदर इम्पोर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू आयुष्मान भारत स्कीम सो so, ये जो स्कीम है बहुत वेल नोन स्कीम है इसके हमने uh, काफ़ी बार इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स पड़े हैं कि ये स्कीम्स कब लॉन्च की ये सारी चीज़ें हम अब स्टेट से रिलेटेड बात करेंगे जैसे रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम टू नंबरदार्स ऑफ द स्टेट एंड देयर फैमिली राइट तो इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेसिकली स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है और इसके अंदर होगा क्या इसके अंदर ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है इसीलिए कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अप टू फाइव लैख पर ईयर ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ़ दिस पर्टिकुलर डिसीजन दैट इज फ्री आयुष्मान कार्ड्स जो होंगे वो बनाए जाएंगे वुड बी गिवन टू दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज नंबरदार्स एंड इनके फैमिली मेम्बर्स को ताकि ये जो uh, और ये जो uh, ये जो आयुष्मान कार्ड होंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए जाएंगे ये कहीं पर भी बना सकते हैं चाहे वो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं या फिर इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं स्टेट के अंदर वहां पे ये बनाए जा सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सो so, कितने इम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं स्टेट के अंदर लगभग 612 हॉस्पिटल्स हैं जो इंपैनल किए गए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जिसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है आप देखेंगे प्राइवेट भी है और पब्लिक हॉस्पिटल भी है ठीक है और इस स्कीम के तहत लगभग बीस हज़ार जो नंबरदार्स होंगे उनको बेनिफिट मिलने वाले, हैं उनको और उनकी फ़ैमिली को बेनिफिट मिलने वाला है सपोज अगर मान लीजिए ये जो नंबरदार्स हैं इनकी फैमिली या ये ये अपना कार्ड जो है कैरी नहीं करते हैं भूल जाते हैं और भूल जाते हैं तो उस टाइम पे जब हॉस्पिटल में जाते टाइम इनको ट्रीटमेंट डिनाई नहीं किया जाएगा ट्रीटमेंट दिया जाएगा बिकॉज एक और प्रोविजन uh, है देर इज एन प्रोविजन दैट इज देयर बायोमेट्रिक्स सो बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो है इनका जो ट्रीटमेंट uh, शुरू हो सकता है अगर ये अपना आयुष्मान कार्ड जो है भूल जाते हैं राइट तो ये आप याद रखेंगे इसी स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि डिस्चार्ज होने के बाद एक मैसेज जो है वो पेशेंट के मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि आपका इतना इतना खर्चा जो है वो किया गया ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट एंड आपका कोई फीडबैक है तो ये सारी चीजें इस स्कीम के तहत इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिल रहा है राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन सो देखिए इस स्कीम में है क्या कि जर्नली uh, हमने देख देखते हैं कि सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी रहती है आ, लोग वेट करते रहते हैं अपनी टर्न के लिए तो वो सबको अवॉइड करने के लिए हमारे जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन स्कीम मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें क्या करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी पेशेंट है वो रजिस्टर कर सकता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए आ, किसी भी सिविल हॉस्पिटल उसका जो जो भी नियरेस्ट है या जहां पर भी वो अपनी ट्रीटमेंट करना चाहता है उसके लिए उसको मोबाइल एप्लीकेशन से ही रजिस्टर करने की उसके पास फ्रीडम है साथ ही साथ Uh, ये डेवलप किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन बाय द हरियाणा स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर इन दी हेल्थ इंस्टीट्यूशन राइट तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगा क्या कि आप एडवांस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथ ही साथ अपनी जहाँ से भी आप जोग्राफिक आपकी लोकेशन है वहाँ आप फिल कर सकते हैं विल बी डन एंड पेशेंट विल बी एबल टू व्यू देयर पास्ट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ओके okay, और जो मैंने अभी आपको बताया दैट पेशेंट विल बी एबल टू चूज एनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन या ओपीडी अपनी चॉइस के हिसाब से और उसको जो है ब्लड बैंक जो है उसकी भी नियरेस्ट उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नियरेस्ट ब्लड बैंक कौन सा है इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा इनोवेटिव स्टेप लिया गया है ताकि लोगों को पब्लिक जो सर्विसेज हैं उसकी टाइमली डिलीवरी हो और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंस सी के साथ वो चीजें हो राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू कंडक्ट रिसर्च ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स सो ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दैट इज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार के अंदर है गॉट दिस रिकग्नाइजेशन बिकॉज उन्होंने जो है काफी अच्छी रिसर्च की है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के ऊपर तो लेट्स टॉक सम पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स जैसे कि ये जो ट्रैक्टर है ये 80 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकता है और वेइंग जो है इसका दैट इज 1.5 टन्स इसके अलावा ऑब्वियसली uh, ये ट्रैक्टर इनकम ऑफ द फार्मर को बूस्ट करेगा क्यों करेगा आगे भी देखेंगे कि अगर कोई डीजल वाला ट्रैक्टर है तो उससे इधर कितना हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस पड़ती है लिथियम आयन बैटरी से इसको बनाया गया है नौ घंटे इसको फुली चार्ज होने में लगते हैं लेकिन नौ घंटे से ज्यादा भी आ, कम के टाइम पे भी इसको चार्ज किया जा सकता है फास्ट चार्जिंग का भी इसके पास ऑप्शन है जो कि चार घंटे के अंदर ही इसको चार्ज कर सकता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को चार्ज चार्ज किया जा सकता है अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की बात करें इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की तो ऑब्वियसली इट इज थर्टी टू परसेंट चीपर देन द डीजल ट्रैक्टर थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है फार्मर के लिए इनकम भी गेन करेगा और इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशन uh, है कि मैक्सिम पॉनिसेबल लिमिट ऑफ दी एस कोर्ट सो दिस इज ऑल्सो गुड नॉइज पॉल्यूशन भी कम होगा ओके okay? एंड साथ ही साथ जो हीट होती है जोनली ट्रैक्टर्स में uh, जो इंजन की वजह से काफी हीट जनरेट होती है वो भी जनरेट नहीं होगी एंड प्रूव एप्सोल्यूटली कंफर्टेबल फॉर द ऑपरेटर राइट सो इट इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं uh, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये हर हित स्टोर जो है वो शुरू किया गया है अब ये क्या है देख लेते हैं इसके बारे में तो ये जो हर हित स्टोर है ये uh, स्टोर हरियाणा गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है साइमल्टेनियसली uh, मतलब एक 71 अलग अलग जगहों पे स्टेट के अंदर सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर ये शुरू किया गया और उसी के साथ ही उसका ऑनलाइन इनाग्रेशन बाकी जगहों पर भी कर दिया गया बाय आर आ, आ, चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने इसको इनाग्रेट किया अब इस ये जगह कौन सी है इट इज़ नगर टाउन ऑफ गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट यहां से शुरू हुआ और बिकेम ही बिकेम द फर्स्ट कस्टमर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल इश्यूज की बात करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज दोनों से रिलेटेड है ये टॉपिक यहां पे हम लोग जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट uh, कोशिश कर रही है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की जनरेट करने की साथ ही साथ लोगों को एक प्रॉपर प्रोडक्ट्स मतलब वो जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं पोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको भी वो इश्यू भी एड्रेस करने के लिए हर हित स्टोर को शुरू किया गया है राइट right? तो इसी के साथ साथ बाकी जो सत्तर जगह है वहां पर भी ये स्टोर लॉन्च हो गए ओके okay? अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पहली बात तो है कि इस इस स्टोर को ओपन करके आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं यस बट सेकंड चीज ये भी है कि इन स्टोर्स में मिलेगा ग्रोसरी आइटम्स मिलेगी वो आइटम्स मिलेंगी जो लगभग जो आ, आप देखेंगे कि जो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो बनाती हैं चीज़ें वो बनाते हैं वो ग्रुप्स काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड साथ ही साथ एमएसएमई की भी प्रोडक्शन जो हो वो इन स्टोर्स में मिल मिलेगी और साथ ही साथ कॉपरेटिव सेक्टर यूनिट्स हैं उनका भी कुछ प्रोडक्ट्स या इस स्टोर से मिलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले बनाते हैं जो वूमेंस होते हैं वो प्रोवाइड मिलेगा इन स्टोर से और काफ़ी रीजनेबल प्राइस से मिलेगा इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि प्योर सर्टिफाइड क्वालिटी गुड्स एट द अफोर्डेबल रेट्स नियर देयर होम्स ये ये स्टोर्स प्रोवाइड कराएंगे अब इसमें ये रखा गया है टारगेट रखा गया है कि ऑब्वियसली दी स्टोर्स विल बी ओपन फॉर एवरी थ्री थाउजेंड पॉपुलेशन इन रूरल एरिया एंड टेन थाउजेंड पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया अंडरस्टैंड और जितना भी सारा सामान यहाँ बिका बिकेगा दैट

राइट right? ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे यू नो फाइनेंशियली यहाँ पे आ, पैसे लगा के यहाँ पे सेटअप किया जाएगा ताकि टूरिस्ट बहुत आ, आए और ऑब्वियसली इकोनमी थोड़ा सा बूम करेगी इसके थ्रू तो दोषी माउंटेन्स एज अ पिलग्रमेज साइट एंड माधोगढ़ फोर्ट ओके ना यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लैंड मैनर में ये सारा आगे कार्रवाई की जा रही है रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रानी तालाब किया जा रहा है जो कि माधोगढ़ फोर्ट में है और साथ ही साथ वर्किंग ऑफ काम किया जा रहा है रानी महल के ऊपर भी ठीक है जो कि फाइनल स्टेज के अंदर है इसमें भी पैसा लगाया जा रहा है ताकि इनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करके एक टूरिस्ट विजिट जो है वो हो पाए राइट इट इज सेट दैट दोशी माउंटेन्स वॉज एडोप ऑफ ग्रेट एस्थेटिक लाइक ऋषि चवन इन दशियंट टाइम्स तो हरियाणा हिस्ट्री के अंदर हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं सो so ये आपका हिस्ट्री से एसोसिएट रिलेटेड uh, ये करंट अफेयर हो गया आपका तो आप याद रखेंगे इसके ऊपर uh, ये न्यूज थी जो आपने ध्यान रखनी है अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर द ईयर 2021 अब इसमें क्या है कि रिसेंटली हरियाणा स्पीच और हर, डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी जो कि पंचकुला के अंदर है सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर द ईयर 2021 ये तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ही है इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि किस किस को ये अलग अलग कैटेगरी के न्यूज अवार्ड्स मिले हैं राइट जैसे कि नेशनल अवार्ड दिया गया है किसको दिया अनाउंस टू प्यारे लाल ऑफ हिसार हरियाणा अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट हैंडी कैप्ड एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड विद सर्टन डिसेबिलिटीज इनको है सो so, इनको ये नेशनल अवार्ड दिया गया है सो नेशनल अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट हैंडी कैप्ट एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड सो ये प्यारे लाल ऑफ हिसार हैं तो ये बहुत ही एक एक अच्छा मोमेंट है हरियाणा हरियाणा के के लिए कि इनको के एक पर्सनालिटी को ये मिला है इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आकाश सिंह है जो कि पढ़ चुके थे गुरुग्राम सेंटर के अल्मना हैं इनको जो है बेस्ट इंप्लॉय विथ डिसेबिलिटी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी फॉर अचीवमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है तो आप इसको थोड़ा सा रीड जरूर कीजिएगा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है इसके अलावा स्वाति जाखड़ है स्वाति स्वाति जाखड़ एक इंडियन साइन लैंग्वेज टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम किया और इनको जो है अल्टीमेटली हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द बेस्ट एम्प्लॉयी सेल्फ एम्प्लॉय डेफ हेयरिंग डिफिकल्टी कैटेगरी के अंदर विद द डिसबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन साइन लैंग्वेजेस एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट इसमें भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इसीलिए इनको यह अल्टीमेटली अवॉर्ड मिला है ना ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये अवार्ड दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के उसके अंदर आता है मतलब ये डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये डिपार्टमेंट जो है आगे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंड सो दीज अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड इन डेली ऑन थर्ड दिसंबर ट्वेंटी ऑन वर्ल्ड दिव्यांग डे तो ये एक वर्ल्ड दिव्यांग डे के दिन जो है ये अवार्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्वेंटी सेकेंड ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट ब्यूरो डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ठीक है ट्वेंटी सेकेंड ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट ब्यूरो डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ये टेक प्लेस हुई है थर्ड पोजिशन इन द ट्वेंटी सेकेंड सो देखिए सो हरियाणा फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो दे हैव गॉट दिस पोजिशन थर्ड पोजिशन इन ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट ब्यूरो डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस जो डेली के अंदर ऑर्गेनाइज की गई इस साल जो थीम थी इस साल जो थीम थी कॉन्फ्रेंस की वॉज इट वॉज यूजिंग द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट्स सिस्टम फॉर क्राइम प्रिवेंशन राइट सो थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे एंड हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो को थर्ड पोजिशन मिला है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर ओके okay? और इस बार थीम जो थी वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ओके okay? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल जूनियर वुमेन्स हॉकी ट्रॉफी नेशनल जूनियर विमेंस हॉकी ट्रॉफी जिसमें जिसमें हरियाणा ने डिफीट किया है झारखंड को बेसिकली झारखंड ऑर्गेनाइज कर रहा था नेशनल जूनियर वुमेन हॉकी ट्रॉफी को एंड हरियाणा ने झारखंड को डिफीट करते करते हुए बेसिकली इलेवेंथ हॉकी इंडिया नेशनल जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप जो है ये ट्रॉफी जीती है ओके एंड ऑब्वियसली झारखंड जो है वो सेकेंड प्लेस पे है थर्ड प्लेस पे जो है दैट इज इट इज महाराष्ट्र राइट सो महाराष्ट्र वॉन् द ब्रॉन्स मेडल जिसने डिफीट किया चंडीगढ़ को सिक्स टू से तो आप इतना ध्यान दीजिएगा ये इलेवेंथ नेशनल वुमेन्स जूनियर हॉकी चैंपियनशिप थी जो ऑर्गेनाइज की थी झारखंड ने आ, याद रखिएगा झारखंड ने इसको ऑर्गेनाइज किया था सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओके okay? चलिए सो so, आज की क्लास में हमने आ, जो अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने कंप्लीट किया सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू